खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां सांगीपुर थाना इलाके के अंतर्गत ग्राम सभा मुरैनी में ग्रामीणों ने सांगीपुर कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोतवाल सांगीपुर सतीश कुमार उनके गांव में आते हैं और ये धमकी देते हैं कि जिसे वे लोग बोलेंगे उसे वोट नहीं दी तो उनके खिलाफ FIR लिखकर उन्हें जेल भी भेज देंगे। वहीं दूसरी ओर BDC पद प्रत्याशी प्रशांत मिश्रा का कहना है कि उनके यहां का चुनाव कैमरे की निगरानी में करवाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पूरे परिवार के लोगों को पुलिस प्रशासन अधिकारियों द्वारा लाल कार्ड दे दिया गया है, जिसकी वजह से वे बूथ पर नहीं जाएंगे। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके यहां पर चुनाव पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितता न हो सके। कोई दिक्कत नहीं ना चुनाव लड़े में, जो है कल आवा रहे ने तो काज नहीं हुआ के मतलब थाने के आवा रहे तो कहे कि जो है का थी अगर वोट जो है करे तो हम जो है हमारे कहे पर ना दे जाए तो हाल गोर तोड़ के संख्या दे जाए। अच्छा, कब क्या ये लगातार कर रहे हैं या फिर आज पहले दिन की? लगातार हमारा हमारे यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा सर जी। हमारे पुराना प्रधान अच्छा है, किसी से आप पता कर लीजिए, हमारा जैसा प्रधान कोई नहीं है जी। और उसके बाद जो है कल SS साहब आए थे, सबको हड़का चमका रहे हैं कि हमारे कहने से वोट दो, जिसको मैं कहूँ उसको दो, अगर नहीं दोगे तो तुमको मार पीट करके कैसे थाने में बंद करके तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा जी। जी तो ये कब कह रहे थे? कल शाम को। अच्छा जी, क्या कह रहे थे यशो साहब? ये हड़का रहे चमका रहे थे ना कि वोट उनके कहने से दो जी। जी, इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की? जी, समस्या ये है यार, आवत थी अधिकारी तो हड़कावत थी, हड़कावत ही कहा थी हम देगा कहीं वो का दिया, वो इनका दिन दिया तो भाई हम जहाँ भला हो वहाँ दिए ना जी। बिल्कुल, तो हमका तो हड़कावत ही कहा थी, नहीं जेका हम कहीं वो का दिया नहीं बंद कर दिए सर्वे वही में जी, तो बताओ आप के का दी। बता दें कि मुरैनी गांव के लोगों ने सांगीपुर कोतवाल पर वोट के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।